Man vs Wild with Sunny Leone, Season 1 Episode Number 1 Borneo. Adventure, reality and exciting TV show with English subtitles. The Adventures of Bear Grylls get a unique spin as Bollywood star Sunny Leone hosts the show famous for revealing bears' glutinous survival skills. पैराशूट कहीं भी लैंड कर सकते हैं, पानी, जमीन, जंगल, सब इसके लिए एक जैसे होते हैं। मुझे इस जंगल में लाके फंसा दिया। कंक्रीट के जंगल से दूर रियल जंगल में दुनिया भर की ऐसी लोकेशंस जहां सरवाइव करने के लिए स्पेशल स्किल्स की जरूरत है, और ये सर्वाइवल स्किल्स हमें सिखाएंगे द लेजेंडरी सर्वाइवलिस्ट बेयर ग्रिल्स। मैन वर्सेस वाइल्ड की इस रोलर कोस्टर राइड में आप एक्सपीरियंस करेंगे दिल बहलाने वाली बातें और दिल दिलाने वाले एडवेंचर। वेलकम टू मैन वर्सेस वाइल्ड विद मी सनी लियोनी। कंक्रीट के जंगल में सर्वाइव करना हमने सीख लिया, लेकिन रियल जंगल में कैसे सर्वाइव करना है ये जानने के लिए हम चलेंगे एक जर्नी पर, दुनिया की सबसे रिमोट और अनदेखी लोकेशंस पे, जहां सरवाइव कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन एक शख्स है जिनका मिडिल नाम नामुमकिन है और दुनिया भर के खतरनाक जंगल जिनका प्लेग्राउंड है। बोर्नियो दक्षिण पूर्वी एशिया में है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टापू है। करीब 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये टापू लगभग टेक्सस जितना बड़ा है। खतरनाक पहाड़ों और बेहद घने जंगल से ढकी इस जगह पर कमाल के जानवर और पेड़ पौधे हैं। दुनिया के पेड़ पौधों और जानवरों की कुल प्रजातियों में से आधी इन जंगलों में मिल जाती हैं। यहाँ हजारों ऐसे जीव और पेड़ पौधे हैं जो आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है मेरे सामने बिल्कुल नई तरह की चुनौतियाँ होंगी। पर गलती मत करना, जो चीजें इस जगह की खासियत हैं, वही एक चूक होने पर आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। कुछ साल पहले एक जर्मन हाइकर बोर्नियो के इन्हीं जंगलों में भटक गया था, तो उसकी लाश ढूंढने में कई महीने लग गए। भूख से उसकी मौत हुई थी। मैं आपको सिर्फ इस जगह पर बचना ही नहीं, यहाँ से जिंदा बच निकलने का तरीका बताऊंगा। बेयर ग्रिल्स जा रहे हैं बोर्नियो के घने जंगल में, जहाँ आज तक बहुत कम लोगों ने कदम रखा है। हमें उस तरफ जाना है, हेलीकॉप्टर को वापस घुमा लो। ओके बेयर, हम उस जगह पर पहुँच रहे हैं जहाँ हर मोड़ पे जान का खतरा है, जहाँ मुसीबत किसी भी शक्ल में आ सकती है, कभी जमीन, कभी पानी, कभी जंगली जानवर, तो कभी मौसम। जब कहीं पर हेलीकॉप्टर के उतरने लायक जगह ना हो, तब सेना के जवान रस्सी के सहारे नीचे उतरते हैं, जहां एक छोटी सी गलती जिंदगी की आखिरी गलती साबित हो सकती है। वैसे तो मैं इस तरह से उतरने से पहले रस्सी को नीचे छोड़ देता हूँ, फिर उससे उतरता हूँ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए मैं रस्सी को मेरे कूल्हे से बंधे एक बैग में रखकर उससे झूलते हुए पेड़ों तक पहुंचूंगा। मैं पेड़ों तक तो पहुंच गया, लेकिन अब भी जमीन से करीब 100 फुट ऊपर हूं। अगर किसी को हेलीकॉप्टर से जंप करना है तो कैसे करेंगे? As they say, kids are not allowed. Adults use a parachute and legends land on top of a 100-foot tree. कुछ छोटी बेलें इन दोनों पेड़ों को जोड़ रही हैं और मैं उनके सहारे उस पेड़ तक जा सकता हूँ। ये बेलें बहुत खतरनाक लग रही हैं, लेकिन ये बहुत मजबूत हैं और मैं इनका इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे इनकी मदद से उस लंबी बेल तक पहुँचना है। छोटी छोटी बेलों पर अपने शरीर का वजन बांटने पर उनके टूटने का खतरा कम हो जाएगा।
ये काफी मजबूत हैं। इतनी ऊंचाई से गिरना भी जानलेवा हो सकता है। ओके, इस टहनी तक तो आ गया। ये वाली बाकी की टहनियों से मजबूत लग रही है। बढ़िया, ये देखिए, ये बेल काफी मोटी है, इसी को पकड़ता हूं। ये बेल रस्सी कम फायर ब्रिगेड के खंबे जैसी ज्यादा लग रही है। इस पर पकड़ बनाने के लिए मुझे काई साफ करनी होगी। ये मेरा वजन संभाल रही है, इसीलिए मैं आसानी से उतर सकता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि अगर बारिश हो रही होती तो मैं ऐसे नहीं उतर पाता। फिसलन काफी बढ़ जाती। मैं इसे अच्छी तरह से पकड़ पा रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथों पर काफी जोर पड़ रहा है। काफी ऊंचा था ये, उतरना आसान नहीं था। ये तो सिर्फ पहला स्टेप था, अब शुरू होगी एक अननोन टेरिटरी। और मुझे पता है बेयर ग्रिल्स को कैसा लग रहा होगा, क्योंकि मैं भी ऐसे ही अननोन टेरिटरी में आई थी, एक ग्लैमरस जंगल जिसका नाम है बॉलीवुड। मेरे एक्सपीरियंस से सरवाइव करने का बेस्ट तरीका है आगे बढ़ते रहना। बोर्नियो में जंगल से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है पहाड़ों से नीचे उतरना। उस तरह से आप जल्दी से किसी नदी या सोते तक पहुंच सकते हैं, और बस्तियां भी अक्सर घाटियों में ही होती हैं। जरा ये देखिए, इनकी वजह से यहाँ सावधान रहना जरूरी है। ये देखिए, ये कांटे देख रहे हैं, अगर नीचे उतरते वक्त आपने गलती से इन्हें पकड़ लिया तो ये आपके हाथों की चमड़ी उधेड़ देंगे। इनसे एक अलग परेशानी ये है कि ये टूट कर शरीर में धंस जाते हैं और इनसे इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे किसी चीज को पकड़ने से पहले अपनी सिक्स सेंस से काम जरूर लें। ध्यान दें कि आप किसी ऐसे तने को पकड़ें और ना ही किसी ऐसे तने को। इस जंगल में सिर्फ इन पेड़ पौधों से ही सावधान नहीं रहना पड़ता, बल्कि यहाँ तो ऐसे जीव भरे पड़े हैं जो आपके खून के प्यासे हैं। ये देखिए, यहाँ एक लीच है, देखिए आपने। इस जंगल में इस तरह की करोड़ों लीचेस होती हैं। देखिए ये कैसे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। अब इसे मेरी गंध मिल गई है, और अगर मेरी खाल से ये चिपक गई तो मेरे शरीर में ऐसा एंटी कोएगुलेंट छोड़ देगी जिससे मेरा खून जमेगा नहीं और फिर लगातार खून बहता ही रहेगा। मैं इसे यहीं छोड़ देता हूँ। बोर्नियो में इन लीचेस की कमी नहीं है, और मैं इन्हें अपना कीमती खून तो हरगिज नहीं पीने दूंगा। वाओ, ये गुफा तो बहुत बड़ी है। ये शायद पानी की वजह से बनी होगी। मैं इसके अंदर जाने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है मुझे वहां से नदी की ओर जाने का रास्ता मिल जाए। नीचे तक जाने का भी एक आसान रास्ता है। वो जो मोटी बेलें हैं वो गुफा के तल तक नीचे गई हैं, लेकिन उसके अंदर जाने के लिए मुझे पहले रोशनी का इंतजाम करना होगा। अच्छी मशाल बनाने के लिए जलने लायक कोई अच्छी चीज चाहिए, और इस जंगल में ऐसी चीजों की कोई कमी नहीं है। ये देखिए, ये एक डैमार का पेड़ है। इसके रस से इसे पहचाना जा सकता है, देखिए कितना रस निकल रहा है। और फौजी ऐसी चीज को जंगल हेक्सी कहते हैं, क्योंकि जंगलों में मशाल बनाने के लिए उन्हें भी ऐसी ही चीज दी जाती है। इसे एक बार जलाने पर यह काफी देर तक जलता रहता है। ये मशाल के लिए सही रहेगा। ये रस बहुत काम की चीज है। इसके साथ मुझे बांस का यह टुकड़ा भी मिल गया है, इसीलिए मैं एक मशाल बना सकता हूँ। मुझे बांस के इस टुकड़े को एक तरफ से थोड़ा छीलना है, फिर मैं इसमें यह रस भर दूंगा। इसके साथ बांस को भी थोड़ा जलाना पड़ेगा, वरना यह बुझ जाएगा। और एक बार ये पतला हो जाए तो फिर इसके अंदर ये जंगल हेक्सी ठूंस दीजिए अच्छी तरह से। बढ़िया, ओके, अब ये गुफा के अंदर काफी देर तक जलता रहेगा। लेकिन आग जलाने के लिए मुझे थोड़ी सी लकड़ी भी चाहिए, और उसके लिए मैं सूखे बांस का इस्तेमाल करूंगा। अपने चाकू से इसे बाहर से खुरच लीजिए और उसकी छीलन जमा कर लीजिए। ये देखिए, अब ये अच्छी तरह से सुलग जाएगा। मेरे पास अब सारा सामान है। ऐसी जगह पर जान बचाने के लिए पहले से ही सब सोच लेना जरूरी है, और यहाँ मिलने वाली हर चीज का पूरा इस्तेमाल कीजिए। क्या बात है, रैटान की बेल, इसे देख रहे हैं आप, ये मेरे काम आएगी, कमाल की बेल है।
बहुत ही लचीली होती है, ये बहुत ही मजबूत भी है और इसका इस्तेमाल रस्सी की तरह भी किया जा सकता है। बोर्नियो में करीब 150 किस्म के रैटान मिलते हैं। स्थानीय लोग इसका इस्तेमाल कुछ बांधने के लिए रस्सी की तरह करते हैं। ये काफी लंबी लग रही है और मैं इसे पेड़ के तने से लपेट देता हूँ और घिसकर इसे थोड़ा नरम कर लेता हूँ। इस तरह से इसके रेशे मुलायम हो जाते हैं जिससे इसे लपेटने में आसानी होगी। फैसले की घड़ी आ गई। ये बेल मेरा वजन तो उठा लेगी लेकिन मेरे हाथों पर बहुत जोर पड़ने वाला है। मैं इसके ऊपर खड़ा हो जाता हूँ ताकि हाथों को थोड़ा आराम मिल सके। हाथों की अच्छी कसरत हो गई है लेकिन परेशानी यह है कि मुझे पैरों से कोई ग्रिप नहीं मिल रही है। लगभग पहुंच गया हूं, बस कुछ फुट और। मेरे हाथों ने बहुत मेहनत की है लेकिन मैं अभी रुक नहीं सकता। ये देखिए मैं किसके ऊपर उतरने वाला था। सच कहूं तो मैं भी नहीं जानता ये क्या है क्योंकि मैंने ऐसा कीड़ा पहले कभी नहीं देखा है। लेकिन दोस्तों ये बोर्नियो है। जितना मैं जानता हूं ये चटक रंग का है और अगर ये यहाँ बचा हुआ है इसका मतलब जरूर इसमें कोई खतरनाक और खास बात है। जरूरी बात यह है कि ऐसी जगहों पर ऐसी चीजों से दूर रहना ही अच्छा है। चटक रंग चीख चीख कर कहता है कि मुझसे दूर रहो। चलो अब इस गुफा में उतरने की कोशिश की जाए। यहाँ पर उतरने के लिए बेल नहीं है इसीलिए मुझे अब अपनी रैटन की बेल का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं इस बड़े पत्थर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस छोर को नीचे फेंक देता हूँ। अब मैं इसका एक छल्ला बनाकर इसे इसके अंदर फंसा देता हूँ। ये अच्छी तरह फंस जाएगी और फिर मुझे नीचे उतरने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके दोनों छोर को अपनी कमर पर लपेटकर इस तरह से टांगों के बीच में से लाकर ऐसे हाथ में पकड़ लीजिए और बाकी की बेल तो नीचे लटक ही रही है। इस तरह से उतरने पर हाथों पर कम जोर पड़ता है और आप नीचे उतरते वक्त अपने आप पर कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन एक पतली सी बेल के सहारे उतरने के लिए कलेजे में दम होना चाहिए। मुझे और 20 फुट नीचे जाना है। पहुंच गया। बेल थोड़ी सी कम पड़ी लेकिन जमीन तक पहुंच ही गया। अब मशाल जला लेता हूं। बांस की ये छीलन मेरे स्ट्राइकर से आसानी से जल जाएगी। एक बार आग पकड़ ले तो थोड़ी देर में रस भी गर्म होकर जलने लगेगा। ये देखिए मशाल जलने लगी है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जिन्हें अंधेरे से डर लगता है और दूसरा बेयर ग्रिल्स, अंधेरे का दुश्मन। बेयर ग्रिल्स LED लाइट्स एंड बल्ब्स। ये जगह बहुत अजीब सी है। थोड़ी देर ये मशाल पकड़ लो, ये बेल लपेट लेता हूँ। यहाँ बहुत बदबू है। ये चमगादड़ की पीठ है, जमीन पर हर तरफ फैली हुई है, बहुत बदबू है। और यहाँ पर मांस खाने वाले कॉकरोचेस भी हैं। वैसे तो वो चमगादड़ का पीठ ही खाते हैं लेकिन अगर कोई चिड़िया या चमगादड़ नीचे गिर जाए तो वो उन्हें भी नहीं छोड़ते, उनका मांस नोच लेते हैं और उन्हें खा जाते हैं। अब इसे समेट कर हम गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। यहाँ अचानक ही डर लगने लग गया है। जंगल में वैसे तो कई तरह की आवाजें सुनाई देती हैं लेकिन यहाँ पर फिलहाल बिल्कुल सन्नाटा है। ये देखिए ये छोटे छोटे घोंसले हैं। बोर्नियो की ये गुफाएं इन चिड़िया के घोंसलों के लिए काफी मशहूर हैं। इनमें से कुछ घोंसले चिड़िया की लार से बने होते हैं। लोग उन घोंसलों का सूप बनाते हैं। घोंसले का सूप लोग बड़े चाव से पीते हैं। एक अच्छा घोंसला तो करीब $1800 प्रति किलो के रेट से बेचा जाता है। इन्हें बेचो तो ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे लेकिन इनसे मेरा पेट भर सकता है। ये बहुत काम का है। ये केव स्विफ्ट के अंडे हैं। ये वाला सड़ा हुआ नहीं है, मैं इन्हें खा सकता हूँ। ये खराब है। ताजा अंडों से काफी प्रोटीन और फ्लूइड मिल जाता है। मुझे भरपेट खाना तो नहीं मिला
पर जो मिला वो अभी के लिए काफी है। चलिए आगे चलते हैं। बोर्नियो गुफाओं के विशाल जाल के लिए जाना जाता है। इस तरफ रास्ता बंद है, वहां कोशिश करते हैं। बोर्नियो में गुफाओं का एक जाल तो करीब 290 किलोमीटर में फैला हुआ है। जमीन के नीचे मौजूद उस गुफा के बहुत बड़े हिस्से की खोज अब भी जारी है। इस कीचड़ में बहुत ज्यादा फिसलन है। जैसे ही मैं इस नई गुफा में पहुंच गया, मुझे पानी की हल्की सी आवाज सुनाई देने लगी। सामने रोशनी नजर आ रही है, चलो चलते हैं। जमीन के नीचे देर तक रहने पर सिर भारी होने लगता है। सामने रोशनी दिखे तो हमेशा राहत मिलती है। चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। वाह, क्या नजारा है। उजाले तक पहुँचने के लिए अंधेरे से तो गुजरना ही पड़ता है, यही दुनिया का नियम है। सनी की फिलॉसफी। मुझे जंगल की यही बात सबसे ज्यादा पसंद है। कई बार हम ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां हम बिल्कुल अकेले होते हैं, जहां कभी कोई इंसान शायद ही पहुंच पाया हो। ऐसा मौका कभी कभी ही मिलता है। देखिए इसे, और यहां तो पानी भी नजर आ रहा है। मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है। हम इसके सहारे यहां से निकल सकते हैं। ये हमें किसी नदी तक ले जाएगा और नदी के किनारे हमें बस्तियां मिलेंगी। लेकिन थोड़ा रुक जाते हैं, पहले इस नजारे का मजा लेते हैं। गुफा से बाहर निकलकर मैं पानी के एक सोते तक पहुंच गया हूं, लेकिन दोनों तरफ से पहाड़ों से घिरा ये 40 फुट का झरना मेरा रास्ता रोक रहा है। वहां बादल भी घिरने लगे हैं, किसी तरह से वहां नीचे तक जाना होगा। अगर अभी बारिश होने लगी तो नीचे उतरने में मुझे 10 गुना ज्यादा परेशानी होगी। चलो उस तरफ से चलते हैं, जरा आराम से। ये एक जड़ों का सिस्टम है, ये किसी गिरे हुए पेड़ की जड़ें हैं, और देखिए बिल्कुल नीचे तक गई हैं। मैं इन पेड़ों के सहारे नीचे तक पहुंच सकता हूं। मैं पहले इन जड़ों के सहारे नीचे उतरने की कोशिश करता हूं। ये शायद हाल ही में हुए लैंडस्लाइड से गिरे हैं, यही वो वजह है जो इन जंगलों को इतना खूबसूरत और खतरनाक बनाती है। यहां थोड़ी सी जगह है, मैं खड़ा हो सकता हूं। जरा नीचे झांक कर गहराई देखिए। मैं भी वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, दूसरी तरफ से ट्राई करता हूं। ये पेड़ हाल ही में गिरे हैं, इसलिए तने मजबूत होने चाहिए। अगर पेड़ ज्यादा वक्त से गिरे हों तब थोड़ा डर रहता है, हो सकता है कि वो सड़ गए हों और पैर रखते ही टूट जाएं। मुझे अपना सारा वजन अपनी जांघों पर डालना होगा। झरने की आवाज बहुत तेज है और उससे आती फुहारों से तने पर भी फिसलन बढ़ गई है। पेड़ की एक गांठ मेरे पैर के बीचों बीच टकराई। मैं अभी टहनी के निचले हिस्से पर हूँ, इस पेड़ से मुझे थोड़ी आसानी हो रही है। अब मैं झरने के बीच से होकर उस तरफ के किनारे तक पहुंचना चाहता हूँ। उम्मीद है रास्ता आसान होगा। यही रास्ता आसान है, लेकिन ये खतरनाक भी हो सकता है। बोर्नियो का जंगल बेयर ग्रिल्स के मुश्किलें और बढ़ाने वाला है, क्योंकि अब डेंजर आएगा पानी के शक्ल में। 40 फीट ऊंची डेंजरस वाटरफॉल। यही रास्ता आसान है, लेकिन ये खतरनाक भी हो सकता है। मुझे इन गिरती हुई लकड़ियों से सावधान रहना होगा, क्योंकि जंगल की नदियों में गिरती हुई लकड़ियां बहुत खतरनाक हो सकती हैं। अगर उनसे बचना है तो पत्थरों से चिपक के रहना होगा। झरने के शोर में आवाज सुनाई नहीं देती, ऐसे में इशारों से काम लेना अच्छा रहता है। बहुत तेज पानी है। ओके, कम से कम हमने नहा तो लिया। चलो नीचे की ओर बढ़ते हैं।
नदी में बड़े गीले पत्थर पड़े होते हैं, इसीलिए जंगल के रास्ते आगे बढ़ना ही ज्यादा आसान होगा। बस नदी के साथ साथ चलते रहिए, क्योंकि ये नदी ही यहाँ से निकलने का रास्ता है। मेरे साथ साथ रहो। वाह, वाकई अगर दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहाँ आप अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस करने लगते हैं, तो वो यही है। चारों ओर ऊंचे पहाड़, तेज झरने और आसमान छूते पेड़ों से आप घिरे हुए हैं। कमाल है। तेज बारिश की वजह से यहाँ खतरा काफी बढ़ जाता है। जंगल तो घना है ही, इसलिए यहाँ रोशनी भी कम है। इतनी मूसलाधार बारिश में जब देखने में भी परेशानी हो, तो अपने साथी के करीब रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे में खतरा ज्यादा इस बात का होता है कि हम अपने साथी को नहीं देख सकते और ना ही उसकी आवाज सुन सकते हैं, क्योंकि बारिश की आवाज बहुत तेज है। मेरे लिए बारिश बहुत अच्छा बहाना है। जैसे ही बारिश शुरू होती है, मैं अपने प्लान्स कैंसिल कर देती हूँ। बेयर ग्रिल्स के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। जंगल में नेचर का प्लान चलता है। इससे पहले कि बारिश शुरू हो, बेयर ग्रिल्स को नदी तक पहुंचना होगा। मैं जानता था कि यहाँ काफी बारिश होगी। यहाँ साल में 280 दिन बारिश हो सकती है, पर ऐसी बारिश तो हौसला तोड़ देती है। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। मेरा ऐसा मानना है कि दूसरी जगहों के मुकाबले जंगल हमें शारीरिक और मानसिक रूप से ज्यादा थका देते हैं। मानो हर चीज आपके जान की दुश्मन हो। जब मैं किसी ऐसी मुश्किल जगह में फंसता हूँ, तो अपने आप से एक ही बात कहता रहता हूँ। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं खुद से कहता हूँ कि मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। जंगल से लड़ने का ये मेरा अपना तरीका है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि ऐसी बारिश हौसला तोड़ देती है। इतनी तेज बारिश होने लगे तो नदियां भी कुछ ही घंटों में उफनने लगती हैं। इसी वजह से जंगल की नदियां बेहद खतरनाक होती हैं। ये नदियां देखते ही देखते किसी मालगाड़ी जैसी बन जाती हैं, बिल्कुल तेज। बारिश का पानी इतनी तेजी से बहता है कि नदी को पार करना मुश्किल हो जाता है। अगर वो गिरी हुई लकड़ी बही तो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को बहा ले जाएगी। दूसरी तरफ से नीचे उतरते हैं। इस तूफानी नदी को पार करने का ऑप्शन तो गया, लेकिन बोर्नियो का ये जंगल और क्या क्या चैलेंजेस देने वाला है, ये देखना बाकी है। जंगल मेरा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। लगता है यही नदी है। वाह, मैं अपनी पीठ के बल गिरा हूँ। इस तरफ से मत आना। किसी हादसे के बाद दो पल रुककर दम ले लीजिए, फिर जब आगे बढ़ने लायक हो जाएं, तभी आगे बढ़िए। सच में पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि मैं पीठ के बल गिरा था। पीठ के बल गिरने पर चोट तो लगी है, लेकिन चोट ज्यादा नहीं है। हाँ, एक लीच जरूर चिपक गई है। सबसे अच्छा तरीका है कि इसका सिर पकड़िए और इसे ऐसे निकाल दीजिए। इसे मसल देता हूं। जरा ये खून देखिए, इसने मेरा खून चूसना शुरू भी कर दिया था। मैंने उसे उसी वक्त निकाल दिया, पर इतनी जल्दी निकालने के बाद भी जख्म हो गया। ये हमारे शरीर में एंटी कोएगुलेंट छोड़ते हैं, जिससे खून जमता नहीं, बस लगातार बहता रहता है। देखिए मेरे शर्ट पर भी कितना खून लगा हुआ है। यहाँ पर एक पौधा मिलता है जिससे खून बहना रुक सकता है। अगर वो मिल जाए तो मुझे बहुत फायदा होगा। मुझे तलाश है मेलस्टोमा पौधे की। वो पतली पत्तियों और लाल तने वाला एक पौधा होता है। वो अक्सर धूप वाले नदी किनारों पर उगता है। जब ये पौधा मिल जाए तो आप इसकी कुछ नई पत्तियां तोड़ लीजिए और उन्हें चबाकर थोड़ा सा क्रश कर लीजिए। फिर आप ये गूदा सीधा जख्म पर लगा दें, जिससे खून का बहना रुक जाएगा और ये जख्म जल्दी भर भी जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं।
नदी के सहारे आगे बढ़ना बहुत अच्छा रहता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप तेजी से उसे पार भी कर जाएंगे। इन गीले पत्थरों पर काई जमा है, इसलिए यहाँ टखने टूटने का भी खतरा है। अच्छा होगा कि आप रास्ते को छोटी छोटी दूरियों में बांट लें और उन्हें तय करने के बाद भूल जाएं। इस तरह से थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन यकीन मानिए जंगल के बीच से गुजरने से ये तरीका बेहतर है। बोर्नियो के जंगल में एक प्लेन क्रैश सर्वाइवर को 5 दिन लग गए थे सिविलाइजेशन तक पहुंचने में। पता है उसने 5 दिन में कितनी दूरी तय की? 5 किलोमीटर से भी कम। इससे पता चलता है कि ऐसे टफ एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना कितना मुश्किल है। देखते हैं बेयर ग्रिल्स सिविलाइजेशन तक पहुंचने से कितनी दूर है। चलिए अब नदी के अगले मोड़ तक चलते हैं, आ जाओ। यहाँ सूरज ढलने के 20 मिनट बाद ही घना अंधेरा छा जाता है, इसीलिए जरूरी है कि वक्त रहते खाने और सोने का इंतजाम कर लिया जाए। मुझे नदी में मछलियाँ दिखी हैं, इसीलिए मैं अभी टैम्बॉन नाम का एक फंदा बनाने जा रहा हूँ। ये रहा मेरे काम का बांस। बोर्नियो के आदिवासी लोग भी मछली पकड़ने के लिए इस ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं। ये मछली पकड़ने का तेज और असरदार तरीका है और इसमें चारे की भी जरूरत नहीं। भूख से मरने से तो अच्छा है ये बना लो। इसे बनाना आसान है और इसे बनाने के लिए जो चाहिए सब यहाँ मौजूद है। ओ ये देखो, ये बढ़िया बांस है और इसमें पानी भी है। बांस में मिलने वाले पानी में नदी के पानी की तरह पैरासाइट का खतरा नहीं रहता। यहाँ इतनी गर्मी है, जहां भी पानी पीने का मौका मिले उसे गंवाना नहीं चाहिए। ये पतली बेलें फंदे को अच्छी तरह से बांधने के लिए सही हैं। पहला काम है बांस को बीच से काटना, ताकि मैं इसे खोखला बनाकर एक पाइप जैसा बना सकूं। तो अब मेरे पास एक खोखला पाइप है, पानी इसके अंदर से बहेगा और शायद मछलियां भी आ जाएं, और उम्मीद है मैं कुछ पकड़ लूंगा। अब बांस के दूसरे टुकड़े को चीर कर मैं इसे एक जाल जैसा बना रहा हूं। अब इसे मैं इसके अंदर डालकर ऊपर से अच्छी तरह बांध लेता हूं, ताकि ये नदी के बहाव से निकल ना जाए। अब मैं इसे नदी में रखकर कुछ पत्थरों से दबा देता हूं। पानी इसके अंदर से बहेगा और उससे पाइप के अंदर एक सक्शन बनेगा। अगर नदी के इस हिस्से में कोई भी मछलियां आती हैं इस पूरे इलाके में, तो वो इसके अंदर से बहेंगी और फिर वो इसमें फंस जाएंगी, वो भाग नहीं पाएंगी। जब मिलिट्री में सर्वाइवल के बारे में सिखाते हैं तो सबसे पहले यही बताते हैं कि मछलियां प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स होती हैं और उन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता है। मुझे इसे बनाने में 15 मिनट लगे और ये रात भर यहीं रहेगा, सुबह तक शायद नाश्ते का इंतजाम हो जाए। अरे वाह, बैम्बू के इतने सारे यूज, वाह बेयर ग्रिल्स, मान गए आपको। वाइल्ड में सर्वाइव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है फूड, वाटर, शेल्टर और फायर। देखते हैं बेयर ग्रिल्स इन सब का जुगाड़ कैसे करते हैं। अब मुझे अपने सोने की जगह का इंतजाम करना है। रात होते ही जंगल की जमीन पर ढेरों जीव और कीड़े मकौड़े निकल आते हैं। यहाँ जमीन पर तो नहीं सो सकता, ऊंचाई पर सोने का इंतजाम करना होगा। मैं यहाँ बोर्नियो के ओरैंगुटांस की नकल करने की सोच रहा हूँ, उनकी तरह पेड़ों पर घोंसला बनाकर। ये पेड़ ठीक लग रहा है, आप देख रहे हैं 2 पेड़ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनकी टहनियां जमीन से ज्यादा ऊंची भी नहीं है। मैं यहाँ अपना शेल्टर बना सकता हूँ, यहाँ पर काफी बेले भी है। इन बेलों का यहाँ की भाषा में मतलब होता है रस्सी बेल। इसमें एक छोटा सा कट मार देता हूँ, ऐसा करने से इसे आसानी से छील सकते हैं। अगर लंबी लंबी छाल उतार लें तो वो बांधने के काम आ सकती हैं। देखिए ये कितनी मजबूत है, इसे ट्विस्ट कीजिए, ये बिल्कुल नहीं टूटेगी। ये खूब सारी लेकर आपस में बांध दीजिए। ओ बहुत फिसलन है। मैं अपनी रस्सी बेल से इन टहनियों को अच्छी तरह बांध दूंगा। ये जमीन से काफी ऊंची है और ये टहनियां मेरे लिए एक अच्छे हैमक का काम करेंगी। इन टहनियों को बांधने के बाद इन्हें ऊपर से तने से बांधने पर ये गिरेंगी नहीं और काफी मजबूत हो जाएंगी, रात गुजारने के लिए ये अच्छा रहेगा।
मैं इन रस्सी बेलों से अपने शेल्टर का फ्लोर बना रहा हूँ। मैं इन बेलों से इन टहनियों के बीच एक जाल सा बुनने वाला हूँ और उसके बाद मैं इन टहनियों को पास खींचूंगा और इससे एक अच्छा बिस्तर बन सकता है। यहाँ पर ओरांगुटान भी यही करते हैं, वो टहनियों का एक जाल सा बुनकर अपना घोंसला बनाते हैं। अब इसके ऊपर ढेर सारी पत्तियां डालकर मैं एक आरामदेह बिस्तर बना लेता हूँ। ये सोने का अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है। बढ़िया, अच्छा है। ओके, अब खाने के लिए कुछ ढूंढते हैं। शाम ढलने से पहले खाना ढूंढना सही रहता है। जंगल के कई शिकारी उस वक्त बाहर आते हैं और तब खाने के लिए आसानी से कुछ मिल भी सकता है। ट्री रेसर, ओ पकड़ लिया। पहले इसे पेड़ से खींचना होगा। इसका सिर कहाँ है? ओ, मुझे काट लिया इसने। मुझे बहुत टेंशन हो रही है सांप की। उसे मालूम नहीं है उसने किसके साथ पंगा लिया। लेकिन आज मैं इसे खाऊंगा। अब मैंने इसका सिर पकड़ लिया है। मुझे इसे अच्छी तरह से साफ करना होगा। अगर सांप के काटने के बाद आपका हाथ ना थरथराए तो आप इंसान नहीं हैं। ये काम करेगा, जंगली कंध है ये, देखिए। पहले इसे तोड़ता हूं। ये काम की चीज है, ये जंगली पौधा। इसे तोड़ो और इसका रस जख्म पर रगड़ लो। सांप के कांटे पर ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। मैं नहीं चाहता मुझे इन्फेक्शन हो। अब इसे पकाने का इंतजाम करता हूँ। ये तो होना ही था। ये है बेयर ग्रिल्स का बदला। Revenge is a dish best served on a barbecue. तक तो ये पक चुका होगा। कहते हैं सांप चिकन जैसे टेस्ट करते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। ये ज्यादा सख्त हैं और ज्यादा हड्डियां हैं, लेकिन मुझे इससे काफी एनर्जी और प्रोटीन्स मिलेंगे और जंगल में वो ज्यादा जरूरी है। रात हो गई है, इसीलिए मैं अपने शेल्टर में जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि मले भाषा में ओरांगुटान शब्द का मतलब है जंगल का मानव, और उन्हीं से मुझे पेड़ों पर बिस्तर बनाने की ये इंस्पिरेशन मिली है। एक काम मैं कर सकता हूं, पर ओरांगुटान नहीं। मैं आग जला सकता हूं और मैं आग में इस अनानासी की छाल जला सकता हूं और उससे अगरबत्ती जैसी गंध आएगी और मेरे आसपास जो भी मच्छर हैं वो भाग जाएंगे। और जंगल में मच्छर भगाने के तरीके आना सबसे जरूरी बात होती है। अब थोड़ी देर सोने की कोशिश करता हूं। मैंने बोर्नियो के जंगल में रात बिता ली है, दुनिया के एक बेहद खतरनाक बीहड़ में। कल मैंने मछली पकड़ने का एक फंदा लगाया था। अब जरा देखें नाश्ते में क्या है। मेरी किस्मत ही खराब है। मैंने सोचा था इसमें एक दो मछलियां तो फंस ही जाएंगी। सारी मेहनत बेकार चली गई। लगता है आज मुझे नाश्ता नहीं मिलने वाला। शायद और फंदे लगाने चाहिए थे। What the fish? एक भी मछली नहीं। इस बात में मुझे एक शेर याद आया है। अर्ज किया है, ट्रैप में एक भी मछली नहीं हुई है। Thank you, thank you. ट्रैप में एक भी मछली नहीं हुई है। बेयर ग्रिल्स के दिन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है। हैशटैग चारों सनी। अच्छा मैं असली मच्छी नहीं खाती हूँ ना। चलिए अब आगे चलते हैं। ये बहुत जरूरी है कि निराशा को हावी ना होने दें और अपना हौसला बनाए रखें।
इस धारा के साथ साथ बढ़ते बढ़ते कोई बड़ी नदी मिल सकती है और फिर कोई बस्ती भी। अभी अपना पूरा ध्यान इसी बात पर लगाना है। जंगल तो कदम कदम पर मुश्किलें खड़ी करेगा ही, जैसे कि ये झरना। इसे देखकर तो मन कर रहा है कि मैं इसमें कूद पड़ूं, लेकिन मैं नहीं जानता ये कितना गहरा है। अगर ये वैसा है जैसा हमने पार किया था तो इसमें बड़े बड़े पत्थर होंगे। जानबूझकर टखना क्यों तुड़वाऊं? मैं इस रैटन बेल के सहारे नीचे उतरने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे इस बेल के सहारे नीचे उतरना है तो पहले इसे किसी अच्छी जगह फंसाना होगा। यहाँ कोई मजबूत पेड़ नहीं दिख रहा, इसीलिए मैं इसे किसी बड़े पत्थर से बांधने की कोशिश करता हूँ। मैं इसमें गांठ लगा लेता हूँ ताकि इस चट्टान से ये अच्छी तरह से फंसी रहे। चलिए, हो गया, देखते हैं। ओके, ये सही है, अब इसके सहारे उतर सकता हूँ। संभल कर। नदी के आसपास बने रहना एक अच्छी योजना थी, लेकिन इस तरह की तेज धारा को पार करने से पहले ये देखना जरूरी है कि बाहर निकलने का सेफ रास्ता कहाँ है। हम उस पर नहीं चढ़ सकते, सीधी चढ़ाई है और फिसलन बहुत ज्यादा है। चलो इसके ऊपर चढ़कर उस तरफ से उतरने की कोशिश करते हैं। ऐसी जगहों पर भी ज्यादा देर तक गीला रहने पर शरीर की गर्मी कम होने लगती है और उससे ठंड लगने लगती है और थकान आती है। ज्यादा थकान से बचने के लिए अच्छा है कि सूखी जमीन पर लौट आएं। चलो आ जाओ, आ जाओ। लेकिन ध्यान रहे कि आप नदी से ज्यादा दूर ना जाएं। उसके आसपास चलते रहने पर ही आप उसकी आवाज सुनते रहेंगे और उसके सहारे चलते हुए किसी बड़ी नदी तक पहुंच सकते हैं। वो देखिए, वो जंगल की उफनती नदी है और मुझे उसी की तलाश थी। लगता है कि इसमें पानी काफी बढ़ गया है। ऐसी नदी में राफ्ट बनाकर धारा के साथ चलो तो पूरे चांसेस हैं कि आप किसी गांव या शायद सागर के किनारे तक पहुंच जाएं। यही सबसे अच्छा तरीका है। तेज बहने वाली नदियों से अक्सर जगह जगह पर इस तरह की कीचड़ भरी दलदल बन जाती हैं। ये बहुत चिपक रही है। अब किसी ठोस जगह से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूं। यही है जंगल की कहानी। मैं यहां पर पैर मारकर उसी तरह रास्ता बना रहा हूं जैसे बर्फ पर बनाते हैं। बस फर्क इतना है कि यहां मिट्टी है। जंगल की गर्मी और उमस में हम जल्दी ही बहुत थक जाते हैं। ऐसा करने का सही तरीका ये है कि आप एक एक कदम करके आगे बढ़ें। उन बांस तक पहुंचना मेरे लिए जरूरी है। आखिर पहुंच गया। चलिए अब थोड़ा बांस काटते हैं। राफ्ट बनाने के लिए बांस बहुत अच्छे होते हैं। इसमें हवा इन खोखले हिस्सों में भरी होती है, इसीलिए ये आसानी से तैरते हैं। ओके, ये काफी भारी भी होते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि कटने पर ये सीधा वहां नदी के पास गिरें। इसके बाद मैं इसके ऊपर के पतले हरे हिस्से को काट कर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा और उससे अपनी राफ्ट बना लूंगा। उस तरफ से काटना शुरू करें जिस तरफ आपको इसे गिराना है। बांस को इस तरफ से काटना आसान है और इसीलिए खांचा भी आराम से बनेगा, लेकिन अगर आप ताजा बांस काटेंगे तो कम से कम इतना तो तय है कि वो सड़ा हुआ नहीं होगा। चलिए, काम हो गया। बांस नीचे आ चुका है, अब मुझे इसके बराबर साइज के टुकड़े करने हैं। ये रहा पतला टुकड़ा, इसे वहां नीचे बनाएंगे। ये कटे हुए हिस्से भले ही हवा से भरे हों, पर ये काफी मजबूत हैं। इसे मैं यहां पर रख देता हूं। एक बार इन खंभों पर रैटान की बेल से डंडे बांध दिए तब इसे जमीन पर हिला पाना भी मुश्किल होगा। और अब ये काफी मजबूत है। यही चीज मैं
इस तरफ भी करने वाला हूँ। बढ़िया। अपनी राफ्ट को पानी में चलने लायक बनाने के लिए आप उसके लिए दो प्लेटफॉर्म बनाएं। अब मैं इसे इसके ऊपर रख देता हूँ। अब इन्हें एक साथ बांध दें। ये लंबा पतला राफ्ट तेज बहती नदी में काफी मददगार साबित होगा। अगर ज्यादा चौड़ा राफ्ट बनाएंगे तो हो सकता है वो पलट जाए और फिर आप डूब सकते हैं। तो आपको अपना राफ्ट लंबा और पतला बनाना होगा, तो तेज धारा में भी कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, पता नहीं रॉयल नेवी के मेरे दोस्त इसके बारे में क्या कहेंगे, लेकिन मैं अपने राफ्ट से खुश हूँ। अब बस एक पैडल चाहिए। बांस को बीच से चीर दीजिए और उसे काट कर पैडल का आकार दे दीजिए। ये कोई रेस तो नहीं जितवाएगा, लेकिन काम बन जाएगा। अब इसे उतारते हैं पानी में। ठीक है, अब इसे ट्राई करते हैं। ये अच्छा है, मैं पानी में डूब नहीं रहा हूँ। मैं आपको लेकर आई हूँ बोर्नियो के जंगल में, जहाँ बेयर ग्रिल्स को एक के बाद एक चैलेंजेस को फेस करना पड़ा है। बहाव इतना तेज है कि यही मुझे बहाए ले जा रहा है। अपने पतवार का इस्तेमाल मैं राफ्ट चलाने के लिए नहीं, उसे संभालने के लिए कर रहा हूँ। इसी वजह से जंगल की नदी में आप दो पल भी लापरवाह नहीं रह सकते। इन नदियों में हमेशा चौकन्ना रहना जरूरी है। इसके गंदे पानी में कई तरह के छोटे मोटे पत्थर और चट्टाने हो सकती हैं, और जहां धारा तेज हो वहां पर पानी के नीचे खतरे छिपे हो सकते हैं। आपको अलर्ट रहना होगा और इन चट्टानों से बचकर निकलना होगा, क्योंकि ये राफ्ट बहुत हिल रहा है। मैं उन चट्टानों से तो निकल आया हूँ, लेकिन इस तेज बहाव में मैं लापरवाह नहीं हो सकता। जंगल में नदी के किनारों से भी सावधान रहना जरूरी है। वो अक्सर काफी खतरनाक होते हैं और वहाँ जंगल से ज्यादा लकड़ियाँ पड़ी होती हैं। वाओ, ये देखिए। मैं खुश हूँ कि जब ये लकड़ियाँ गिर रही थी तब मैं यहाँ नहीं था। मैं भीगा हुआ हूँ और थक गया हूँ। सांप के काटने से अभी भी हाथ में दर्द हो रहा है। लेकिन नदी में कई घंटे रहने के बाद मुझे वो दिख गया जिसकी मैं खोज कर रहा था, एक बस्ती। मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। मेरी राफ्ट ने अपना काम कर दिया, नदी के साथ साथ रहकर लोगों तक पहुंचा दिया। मैं उन नावों की ओर जाता हूं। बोर्नियो के जंगल की तमाम चुनौतियों का सामना करने के बाद अब मुझे सीधा घर जाना है। फाइनली बोर्नियो के जंगल को सरवाइव करके सिविलाइजेशन तक पहुंच गए। चैलेंजेस से भरी हुई इस जर्नी में बेयर ग्रिल्स ने हमें सिखाई सर्वाइवल स्किल्स। इसी तरह की जर्नी पे हम फिर से चलेंगे, जहां मेरे साथ होगी थोड़ी सी मस्ती और बेयर ग्रिल्स के साथ होगा ढेर सारा एडवेंचर। सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन मैन वर्सेस वाइल्ड विद मी सनी लियोनी।